हेलो गाइस यार, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया हो आप। तो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं ये फ़ोटो को एडिट करने वाला हूँ। गाइस, तो अभी हमने एडिट नहीं किया गाइस, तो इस फ़ोटो को एडिट करेंगे। तो इस फ़ोटो को आपको शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन। तो गाइस, शेयर करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में बेल आइकन जरूर ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं एडिटिंग से लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइस, जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है गैलरी में जाके, और यहाँ से शेयर कर लेना है आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ से शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो ये रहा कुछ ही टाइप का लाइटरूम एप्लीकेशन, तो इसके अंदर शेयर कर लेना है। और यहाँ से चला जाऊँगा बैक और ओपन करूँगा लाइटरूम एप्लीकेशन। तो देख सकते हो चिन्ह, कुछ चिन्ह आ गया लाल कलर का कि इसमें फ़ोटो ओपन हो चुका है। तो देख सकते हो गाइस, ऑल फोटो में जैसे क्लिक किया तो फर्स्ट में मेरा फोटो आ चुका है। और आने के बाद गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कलर्स वाला ऑप्शन दिखेगा तो कलर सेलेक्ट कर लेना है। और कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको मिक्स में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ए वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। ए वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना, इसको आपको कम ज़्यादा करना है। जिधर जैसा कलर रखना है वैसा कलर रखना है गाइस। तो हमको ये अच्छा लग रहा है कलर, ये वाला नीला कलर, तो मैं इसको शो कर लेता हूँ गैस। और इसके नीचे वाला है ना, इसको भी मैं शो कर लेता हूँ। तो दोनों को आपको शो कर लेना है, और इसके नीचे वाले को तो कुछ भी नहीं करना है। फिर आप ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा माइनस करना है गैस। इसको जैसे माइनस किया, कितना अच्छा इफेक्ट आ चुका है हमारे चेहरे के अंदर। तो इसको भी ज़्यादा माइनस नहीं करना है, आपको 40 कर लेना है, ठीक है? 40 करने के बाद आप आ जाना है, ये रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आने के बाद इसको माइनस करोगे, देखो गैस कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है गैस, देख सकते हो गैस। इसको मैं ज़्यादा माइनस नहीं करूँगा गैस, इसको मैं 20 माइनस कर लेता हूँ। और 20 माइनस करने के बाद मैं यहाँ पर ये जो लास्ट में ऑप्शन है ना कलर्स, सॉरी, इसमें क्लिक करना और इसको देखना कम ज़्यादा। देखो फोटो में किस कुछ कुछ इस टाइप से पेंट हो रहा है, देखो। तो कुछ इस टाइप से रख लेना 18 माइनस, और फिर ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या है, कपड़ों में कलर आता है, देख सकते हो गैस। जैसा कलर अच्छा लगे ना वैसा रख लेना। तो हमको ये कलर अच्छा लग रहा है गैस, तो मैं इसको 25 रख लेता हूँ। और जो नीचे वाला है ना, नीचे वाले का मैं 50 रख लेता हूँ, 50 नहीं सॉरी 60 रख लेता हूँ। 60 रखने के बाद ये वाला कलर सेलेक्ट करूँगा मैं। ये वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको इसको मैं पूरा 100 माइनस, और इस नीचे वाले को भी मैं 100 प्लस, ठीक है? और फिर कर लेना आपको डन। डन करने के बाद गैस कुछ इस प्रकार से ओपन आएंगे, और जो ये वाला देख लेना, इसको थोड़ा हाई कर लेना है, देख लेना जैसे हाई किया कितना अच्छा इफेक्ट आ चुका है। तो इसको शार्ट कर लेना है आपको, और शार्ट करने के बाद आपको गैस यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन दिखेगा, तो लाइट में क्लिक करना। और लाइट में क्लिक करने के बाद फर्स्ट में तो ऐसे गैस कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट को आप देखना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, इसको 2 रख लेना है। और नीचे शेडो, तो शेडोज को थोड़ा माइनस कर लेना गाइस। जैसे माइनस किया कितना अच्छा इफेक्ट, देखो प्लस, जैसे प्लस किया तो कितना बुरा लग रहा है फोटो, और जैसे माइनस किया कितना बालों में कितना अच्छा इफेक्ट डल चुका है। तो इसको 20 रख लूँगा, और 20 लिखने के बाद नीचे वाला ब्लैक वाला ऑप्शन देखो गाइस, इसको जैसे बढ़ाया ऐसे हो गया, और इसको जैसे माइनस किया तो इसको थोड़ा बढ़ा लेना है आपको ब्लैक वाले को 10। और फिर आ जाना है आपको ये वाला ऑप्शन देख लेना, इसमें आ जाना, और इसको तो आपको बढ़ा लेना है, ठीक है? और इसके नीचे डिटेल्स है गाइस, तो डिटेल्स को भी आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेना है 33। और इसके नीचे ये वाला ऑप्शन है, इसको देख लेना गाइस, तो इसको भी आप 20 रख लेना है। और 20 रखने के बाद ये कलर्स, इसको भी आप 22 कर लेना है। और क्लैरिटी एंड क्लैरिटी को पूरा शो कर लेना है, ठीक है? क्लैरिटी को पूरा शो कर लेना है, और डिटेल्स को भी आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेना है 25-55। तो देख सकते हो गाइस कितना अच्छा हमारा फोटो एडिट हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो गाइस, बिफोर आफ्टर देख सकते हो गाइस, आपके सामने बिफोर आफ्टर कितना अच्छा फोटो एडिट हो चुका है। और फिर इसको डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। और शेयर वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे ना, आपको सेव डिवाइस में क्लिक कर लेना है, तो हमारा फोटो सीधा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यार गाइस, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में बेल आइकन को जरूर ऑल में कर देना। तो गाइस, ये था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल हमारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं बहुत ही शानदार। तो
ऐसे ही प्यार ऐसे सपोर्ट बनाए रखे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।